हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ये बताइए, अगर हम टाइपिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अगर हम टाइपिंग में आगे जॉब पाना चाहते हैं तो कहां पर जॉब मिलेगी, कौन सी गवर्नमेंट जॉब ऐसी है जहां पर टाइपिंग की वैकेंसीज होती हैं। मैथ भी नहीं होता और टाइपिंग क्या करें, टाइपिंग में क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए टाइपिंग सीखते वक्त, और कहाँ से सीखें, क्या करें, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, एक टाइपिस्ट बनना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर देना। मैसे गौरबादो जिन्हें मैं लेक्चरर, ऑलवेज बीइंग सपोर्टिंग माय स्टूडेंट टू अपग्रेड इन योर फ्यूचर। सबसे पहले बताते हैं किस गवर्नमेंट जॉब के लिए। आज बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल, या बैंकिंग की जॉब है, या एलडीसी क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टेनोग्राफर है, ग्रुप सी ग्रुप डी, ये सारी पोस्ट ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको एज ए क्लर्क की वैकेंसी देते हैं। आपको सिटिंग जॉब मिलेगी, आपको एक कंप्यूटर मिलेगा, आपको पर्टिकुलर एक अलमारी मिलेगी, फाइल मिलेगी, आपको उसे मेंटेन करना है, आपको कंप्यूटर में लेटर वगैरह टाइप करने पड़ते हैं। हमारे देश में क्या है बच्चों कि हिंदी भाषा का महत्व है, तो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर हिंदी को महत्व दिया जाता है, और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज की नीड है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी वैकेंसीज़ में आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपकी स्पीड जो है बच्चों टाइप करने की 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। यानी कि आप जब टाइप करते हैं तो एक मिनट में आपको 35 से 40 वर्ड्स लिखने हैं, जिसमें आपके न्यूमरिक जो सिंबल्स होते हैं वो भी काउंट होते हैं। तो ऐसे में आपकी स्पीड जो है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूर करें। खासकर स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशल वैकेंसीज निकलती है एसएससी की तरफ से, जिसमें मैथ नहीं आता, केवल दो एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी टाइपिस्ट की वैकेंसी निकलती है। अब टाइपिंग सीखते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है ये पांच चीज़ें, जिनमें आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है। पांच क्या चार चीज़ें हैं, एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। नंबर एक, आपको कंप्यूटर पे या टाइपराइटर पे, आज वैसे तो सब जगह पर कंप्यूटर ही चल रहे हैं, टाइपराइटर का यूज़ नहीं है, लेकिन आपको टाइपराइटर और कंप्यूटर दोनों पे टाइपिंग आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कंप्यूटर के तो एक्सपर्ट हैं लेकिन टाइपराइटर में, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट में आज भी टाइपराइटर चलते हैं और मैक्सिमम डिपार्टमेंट में तो कंप्यूटर चलता है। तो आपकी टाइपिंग सीखते वक्त आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फॉन्ट। देखिए, अगर आप हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं तो हिंदी में मंगल और कुर्ती देव के नाम से फॉन्ट आता है, और वो फॉन्ट 14 नंबर पर, यानी कि 14 उसका साइज होना चाहिए। जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, गवर्नमेंट का जब एग्ज़ाम्स होता है तो वहाँ पर 14 साइज से ही आपकी तैयारी कराई जाती है, यानी कि आपका टेस्ट होता है, उसी स्पीड से आपको लिखना होता है। इंग्लिश में आप कर रहे हो तो इंग्लिश में एरियल करके आता है, सिंपल एरियल, उसे आप सेलेक्ट करें और 14 से ही आप उसे टाइप कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो मैंने आपको बताया 25 से 35 और 40 वर्ड्स पर मिनट तक की यहाँ पर स्पीड आपको बनानी है। आप अगर कहीं पर भी टाइपिंग सीख रहे हैं, वो कोई भी जगह हो सकती है, आप प्रैक्टिस ऐसी करें कि आपकी वर्ड लिमिट बन जाए। आप अपना टाइमर लगाएं और चेक करें कितना आपने लिखा, 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट। नेक्स्ट बात करें कि डिफेंसन। अब ये की डिप्रेशन क्या, या आपका डिप्रेशन क्या होता है, जो आपके सिंबल्स हैं वो भी काउंट होते हैं। तो सिंबल्स पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए से लेकर जेड तक तो उन्हें अच्छे टाइप करना आ जाता है, लेकिन जो सिंबल्स होते हैं उन पे पकड़ नहीं हो पाती। तो मैं भी ये सजेस्ट करूँगा आपको कि सिंबल्स पे भी अपनी पकड़ करें, ताकि वहाँ से भी हम अच्छा खासा डाटा जनरेट कर सकें, क्योंकि इस तरह की गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में एक एक चीज़ पर ध्यान दी जाती है। और जब हम रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करके आप टाइपिंग पर बैठते हैं और वहाँ से रह जाते हैं, तो मेरा खुद एक रिलेटिव हाई कोर्ट में, उत्तराखंड हाई कोर्ट में नैनीताल में उनका टाइपिंग टेस्ट था, उनका रिटर्न इतना अच्छा हुआ, लेकिन जब टाइपिंग का दिन आया उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और उनकी जॉब 5 नंबर से रह गई। तो ऐसा आपके साथ ना हो, मैं यही कहूँगा कि आप टाइपिंग अपनी अच्छी करें, जहाँ भी सीखें प्रैक्टिस अच्छी करें, आपको डेफिनेटली वैकेंसी मिल जाएगी। और अगर गवर्नमेंट में नहीं तो प्राइवेट में बहुत सारे काम हैं, आप वो भी कर सकते हैं टाइपिंग से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।